विश्व भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए उज्जैन में पहली बार अनोखी होली का दहन किया गया। इस होली में पंडित पुजारियों द्वारा विधि विधान से और मंत्रोच्चार के साथ कोरोना वायरस का दहन किया गया। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तौर पर तीन नदियों के संगम त्रिवेणी पर इस अनोखी होली का दहन किया गया। देश भर में हिंदू उत्सव होली का दहन का आयोजन किया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली बार एक अनोखी होली का दहन लोगों द्वारा किया गया। इस होली में लकड़ी गोबर के कंडे के साथ साथ लोगों ने कोरोना वायरस का भी दहन कर दिया। हालांकि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू भी सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिवाइन एस्ट्रो कृष्णा गुरु ने बताया कि विश्व भर में सिर्फ उज्जैन में ही एकमात्र नवग्रह शनि मंदिर है, जिसके हर ग्रह का अपना एक भूगर्भ अलग है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत जाना जाता है। ऐसे में कोरोना वायरस से पूरा विश्व और हर वर्ग डरा हुआ है। उस अज्ञात भय को मिटाने के लिए कोरोना वायरस होली का दहन किया गया। इसके साथ ही सभी ने भगवान शनि से कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों को स्वस्थ करने और होलिका के दहन में सभी नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना भी की। वहीं शनि मंदिर के पुजारी पंडित शैलेश त्रिवेदी ने बताया कि शनि ग्रह दवाई का कारक है। जो भी आपदा आती है उसके कारक ग्रह ही होते हैं, इसलिए शनि नवग्रह मंदिर में होली दहन के साथ कोरोना वायरस का भी दहन किया गया। देखिए, ये विश्व में एकमात्र मंदिर शनि नवग्रह मंदिर, जिसमें हर ग्रह का अपना एक भूगर्भ अलग है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत जाना जाता है। यहाँ पर हमने जो देशव्यापी प्रार्थना है, देशव्यापी समस्या है कोरोना वायरस की, जिससे ना कि हिंदुस्तान पूरा विश्व परेशान है और डर रहा है, उस अज्ञात भय को मिटाने के लिए, और जो लोग आज कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं उन सब के लिए आरोग्यता की प्रार्थना करी हमने। सर्व जगत के लिए प्रार्थना की, और होलिका दहन जो एक इंटेंशन का दिन होता है, आपकी नियत के इस भाव से है, उस नियत भाव से हमने प्रयास किया है। और ये मेरा पूरा विश्वास है शनिदेव ना कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में कोरोना वायरस रूपी जो फैला हुआ है उसको दूर करेंगे, और इस होलिका की दहन में सभी नकारात्मकता दूर होगी और सभी लोग एक स्वस्थ जीवन पाएंगे। के लिए ही ये पूजन का विधान रखा गया है नवग्रह शनि मंदिर पे। शनि महाराज विधान है सब व्याधियों को दूर करने वाला विधान है, और नवग्रह शनि मंदिर पे यहाँ त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का संगम है, उस संगम पे ये विधान रखा गया है। इसमें जो भी वायरस से जो ग्रसित हैं वो लोग स्वस्थ हो सकें, और जो इस ये वायरस आया है तो इस वायरस से अपन पूरा विश्व भर पूरा मुक्त हो सके, इसके लिए विधान रखा गया है। यहाँ पे नवग्रह देवता की नवग्रह शांति के पूजन का पूरा विधान करा गया है, और इस वायरस से सब लोग मुक्त हो सके उसकी पूजन का विधान होली का दहन।